एक रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए तस्वीरें, सीधे मंच की ये तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही है। बांसवाड़ा से मिशन 25 को फतेह करने के लिए राहुल गांधी मरुधरा के रण में उतर पड़े हैं और राजस्थान के रण में किला मजबूत कांग्रेस पार्टी का हो इसकी तैयारियां की गई हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से आए हुए तमाम पदाधिकारी आप देखिए, तो मंच पर इस वक्त राहुल गांधी मौजूद हैं। सभी उनको कोई पटका उड़ा रहा है तो कोई सूत की माला देकर, तरुण कुमार जी और ये देखिए निवेदन है कि वो माल्यार्पण कर स्वागत करें। पारंपरिक रूप से हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी ताराचंद भगोरिया राजस्थानी पगड़ी पहनाई जा रही है राहुल गांधी को और एक चित्र भी भेंट किया जा रहा है। माननीय अर्जुन सिंह जी बामनिया और चांदमल जी जैन से निवेदन है कि त्रिपुरा माता की तस्वीर और दुपट्टे से सम्मान करें। तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य में, मावजी महाराज की उनकी बाईं तरफ पुण्य धरा पर सचिन पायलट और दाईं तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे तीन मौजूद हैं। गुजरात राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो हमारे माव भक्तों का सबसे बड़ी तीर्थ स्थली है और माननीय राहुल गांधी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जितने माव भक्त हैं, मावजी महाराज के जो भक्त हैं, हमारे मावजी महाराज ने, ये राहुल गांधी पहुंचे हुए बांसवाड़ा, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तीनों लोग इस वक्त तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए। और जाहिर तौर पर बांसवाड़ा जब जिसका जिक्र आदिवासी अंचल के तौर पर किया जाता है, यहाँ पर आए हुए तमाम कार्यकर्ताओं को और इसके अलावा जो आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए प्रत्याशी हैं, लोकसभा अलग अलग जो सीट हैं, और वो सत्य की राजनीति करेगा और आज जितने यहाँ पर उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए राहुल गांधी कर रहे हैं कि आने वाला समय नजर आएंगे और इस वक्त मंच पर मौजूद हैं राहुल गांधी। माननीय महेंद्र जी मालविया जी से निवेदन करूंगा कि वह पधारे और स्वागत भाषण दें। इले हुताओ के जागे हो, देखो ताली बज दीजिए, जोर से ताली बजाओ। आज के चुनाव में हमारे बीच में उपस्थित देखिए तमाम प्रधानमंत्री लोगों को इकट्ठा किया गया है। रैली स्थल पर पहुंचे हुए तमाम लोग राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी का बेणेश्वर की धाम के ऊपर, महात्मा मावजी महाराज की पुण्य स्थली के ऊपर इस क्षेत्र की जनता और मैं अपनी ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। यहाँ उपस्थित आदरणीय हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नेतागण इस वक्त मौजूद हैं, हमारे डिप्टी सीएम नौजवान आदरणीय पायलट साहब, दोनों उम्मीदवार सचिन पायलट, राहुल गांधी और तमाम हमारे विधायक साथी, अशोक गहलोत साथी, कांग्रेस पार्टी के नेतागण और वागड़ और मेवाड़ से तमाम मेरे किसान भाइयों और यहाँ उपस्थित तमाम माओ भक्तों, मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, मैं आज के दिन बांसवाड़ा से सीधी तस्वीरें फिलहाल राहुल गांधी की रैली से जुड़ी हुई, यहाँ पर इंदिरा जी सोनिया जी के यहाँ पर पदार्पण हुआ था और उसी के कारण से राजस्थान में सरकार बनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब बने हैं। दोबारा उन्हीं गांधी परिवार के सुपूत और हमारे देश के भाग्य विधाता आदरणीय राहुल गांधी जी आज हमारे बीच में आए हैं और माओ भक्त इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आया है। आपकी उपस्थिति इस बात को बताती है कि 2019 के अंदर देश के सिंहासन के ऊपर राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर ज्यादा बात नहीं कहूंगा, यहां पर देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था, लोकसभा का चुनाव हो रहा था। तो आप देखिए बेणेश्वर धाम में पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद कहा कि सीधे रैली स्थल पर पहुंचे राहुल गांधी, सभा में जन सैलाब उमड़ा हुआ है, इस मौके पे कहना चाहता हूं कि लोग नजर आ रहे हैं मंच के सामने बैठे हुए तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता पदाधिकारी समर्थक इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले रैली स्थल पर पहुंचने से पहले बेणेश्वर धाम पहुंचे, वहां दर्शन किए और दर्शन के बाद सीधे राहुल गांधी
मंच पर पहुंचे हैं। महाराज तो बाजू अरे देश में सत्य और अहिंसा तो राहुल और गलत की लड़ाई है। राजस्थान के रण में इस वक्त पहुंच गए हैं। सच्चाई का साथ देना, हुंकार भरेंगे आज संबोधन करते हुए और देश की सिंहासन के ऊपर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के। कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसका जिक्र तो करते ही है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार रीति नीति तमाम चीजें निशाने पर रहती हैं। और कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो कितना बेहतर होगा, क्यों बेहतर होगा, ये बात कहते हुए हमेशा से नजर आते हैं राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से यही तमाम चीजें, यही तमाम बातें आज सुनाई पड़ने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी से। और फिलहाल तस्वीरें बांसवाड़ा की देख पा रहे हैं जहां पर रैली के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी। अब से कुछ देर के बाद संबोधन होगा और तमाम नेता मौजूद हैं, प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद हैं। इसके अलावा कई और नेता आज बांसवाड़ा में पहुंचे हैं। श्री विजय शर्मा जी, और एक तरीके से देखा जाए तो मेवाड़ से शुरुआत करते हुए मारवाड़ पहुंचे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए। और ऐसे में राहुल गांधी की ये रैली लोकप्रिय उम्मीदवार पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी के लिए, बाबूराज जी से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और सभा को संबोधित करें। तो वक्त है यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी लगातार इन्हीं तस्वीरों पर नजर बनी हुई।